हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका टिप्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रोज़ वाटर की। रोज़ वाटर के बारे में तो आपको सबको पता है, रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। गुलाब जल को हम किन किन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं ये हम सबको पता है। गुलाब जल को आप एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है गुलाब जल। जैसे कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, हम धूप में जाते हैं तो धूप में हमारी स्किन ना झुलस जाती है, तो अगर आप उसमें कॉटन में, रोज़ वाटर में डिप करके कॉटन से अपने झुलसी हुई स्किन पर अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ठंडक मिलेगी। कोई भी पैक आप बनाते हैं तो आप उसमें भी रोज़ वाटर डाल सकते हैं, या फिर आप एज अ क्लिंजर भी रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं रोज़ वाटर के। तो हम इसको ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और मार्केट से गुलाब जल खरीद के आते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो ना कि अगर हम घर पर ही गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर को बना सकें। तो मैंने घर पर ही गुलाब जल बनाया है, और कैसे बनाया है ये मैं पूरा आगे आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को ज़रूर देखें। ये पूरी दो जो स्प्रे बॉटल हैं वो भर गई है। ये वाली मेरे पास प्रॉपर स्प्रे बॉटल थी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी 4, और ये वाला जो था ये निव्या का डियो था जो कि ख़त्म हो गया था। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से सर्फ से वॉश करके इसमें इसको भर दिया है। तो आपको कैसे यूज़ करना है तो आपको पता ही है। इसको हम ओपन करेंगे और इस तरीके से हम अपने फेस पे स्प्रे कर लेंगे। तो कैसे बनाया है मैंने ये गुलाब जल, आगे की वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सारी पत्तियों को तोड़कर पानी में डिप करके पहले ही रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएं, क्योंकि धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही पानी में डिप करके रख दिया था। मेरे पास 4 रोज़ के फ्लावर थे, तो ये 4 रोज़ के फ्लावर की पेटल्स हैं। अब आपको किसी बर्तन में 2 कप पानी रखना है। मेरे ये ग्लास छोटे छोटे हैं तो इसमें कप के बराबर ही पानी आता है। आपको जो गैस की फ्लेम है वो लो ही रखनी है, कम रखनी है आपको गैस की फ्लेम। और अब मैं इसमें सारी पत्तियां जो हैं वो डाल दूंगी, और सारी पत्तियां डालने के बाद आपको किसी भी बर्तन से या छन्नी से इसको ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। तो इसको हम ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको हटाकर देखेंगे। तो आप देखिए कि सारी पेटल्स ने अपना रंग जो है वो छोड़ दिया है, वो वाइट हो गई हैं, रेड से सारी वाइट हो गई हैं, और सारा रंग जो है वो पानी में चला गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 विटामिन ई के कैप्सूल। देखिए, विटामिन ई जो है वो हमारे फेस को मॉइस्चराइज कर देगा, इसलिए मैंने इसमें इन तीनों को ऐड किया है। आप चाहें तो 4 भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो अगर आपको ऐड नहीं करना तो आप नहीं भी करिए, कोई ज़रूरी नहीं है ये। इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अच्छी तरीके से पहले हम इसको मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने के बाद हम इसको छान लेंगे किसी भी बर्तन में। तो ये जो मेरा गुलाब जल है ये ठंडा हो चुका है। इसके बाद मैं एक ग्लास में इसको चाय की छन्नी की हेल्प से जो है वो छान लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको स्प्रे बॉटल में भरकर फ्रिज में रख दूँगी। जब भी आपको यूज़ करना हो आप फ्रिज में से निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सारा रोज़ वाटर बन गया है, अभी भी बचा हुआ है, तो मेरी एक और स्प्रे बॉटल भर जाएगी। देखिए, मैं अभी नहाकर आई हूँ, और आजकल मैं अपने फेस पर सबसे पहले एज अ टोनर यूज़ कर रही हूँ गुलाब जल। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और ठंडा ठंडा टोनर जब आप गर्मियों में अपने फेस पर अप्लाई करते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो पूरे फेस पर अच्छी तरीके से स्प्रे करना है, और फिर इस तरीके से डैप डैप करना है ताकि अच्छी तरीके से एब्जर्व हो जाए। देखिए, इसमें मैंने विटामिन ई भी डाला हुआ है, बट मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है पोन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पर बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अभी मेरे को 5 से 6 दिन हुए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो इस तरीके से एज अ टोनर आप गुलाब जल को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।